अगर फोर मोर सोर्स जैसी सीरीज देखने के बाद पक गए हो और कुछ नया देखना है तो ये सीरीज का रिव्यू आपके लिए है। रिव्यू देखने से पहले द रिव्यू लैब को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। हेलो दोस्तों, आज हम द रिव्यू लैब में Amazon प्राइम प्रिजन पाताल लोक की बात करेंगे, स्टारिंग जयदीप अहलावत, अभिषेक बनर्जी, नीरज काबी जैसे बेहतरीन एक्टर्स है। इस सीरीज में कोई हाईफाई स्टार्स नहीं है, लेकिन ये सीरीज में आपको एक्टिंग से लेकर स्टोरी तक सब दमदार मिलेगा। स्टोरी कुछ इस तरह की है कि फेमस न्यूज एंकर संजीव मेहरा, जिनका रोल नीरज काबी ने प्ले किया है, उनका मर्डर करने की कोशिश में चार लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उनमें से फर्स्ट अक्यूज्ड इज विशाल त्यागी, जिनको हथौड़ा त्यागी करके भी बुलाया जाता है, जिनका रोल अभिषेक बनर्जी ने प्ले किया है। सेकेंड अक्यूज्ड टॉप सिंह, जिनका रोल जगजीत साधु ने प्ले किया है। थर्ड अक्यूज्ड इज कबीर एम, जिनका रोल आसिफ खान ने प्ले किया है। फोर्थ अक्यूज्ड मेरी, जिसका रोल मैरम बाम रोनाल्डो सिंह ने प्ले किया है। ये केस इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी, जिनका रोल जयदीप अहलावत ने प्ले किया है, और इस केस में उनकी मदद उनका जूनियर अंसारी, जिसका रोल इश्वाक सिंह ने प्ले किया है। हाथीराम चौधरी की लाइफ का ये सबसे बड़ा केस है और ये केस वो सॉल्व करके अपनी बीवी और अपने बच्चे की आंख में खुद के लिए इज्जत देखना चाहते हैं। अंसारी जो हाथीराम चौधरी का जूनियर है, जो आईपीएस की तैयारी कर रहा है, और इस केस में हाथीराम चौधरी की हेल्प लास्ट तक करता रहता है। आपने ट्रेलर देखा होगा, उसे ही हमें पता चल जाता है कि आखिर स्टोरी है किस बारे में। लेकिन जब आप सीरीज देखोगे, हर एक की स्टोरी देखोगे, तब पता चलता है कि स्टोरी जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। पाताल लोक आपको सच में पाताल के दर्शन करा देगी। स्टोरी एंगेजिंग है। स्टार्टिंग के दो एपिसोड के बाद स्टोरी में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। स्क्रीन प्ले की बात करें तो स्टार्टिंग में स्लो, बीच बीच में थोड़ा फास्ट और फिर थोड़ी देर के बाद स्लो, मतलब कॉन्स्टेंट नहीं है। ये हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज स्टोरी इज द किंग और एक्टिंग इज अ मेन पिलर ऑफ अ स्टोरी। अब बात करते हैं कास्टिंग की। यार मतलब वर्ड्स नहीं है एक्टिंग की तारीफ करने के लिए। जयदीप अहलावत, अभिषेक बनर्जी, नीरज काबी जैसे बेहतरीन एक्टर्स के लिए क्या कहूँ। जयदीप अहलावत पुलिस के रोल में चमक रहे हैं। पुलिस कब किस तरह रिएक्शन देती है, एग्जैक्ट उसी तरह से ये रोल उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया है, कतई जहर एक्टिंग की है। और सिर्फ ये तीन लोग नहीं, पूरी सीरीज में जितने भी एक्टर्स थे सभी की एक्टिंग कमाल की थी। उनमें से थोड़े लोगों का नाम याद है मुझे, जैसे कि गुलपनांग, जिन्होंने रेणु चौधरी का यानी कि हाथीराम चौधरी की बीवी का रोल किया है। निहारिका, जिन्होंने सारा मैथ्यूज का रोल प्ले किया है। इश्वाक सिंह, जिन्होंने इमरान अंसारी का रोल प्ले किया है। आसिफ खान, जिन्होंने कबीर एम का रोल प्ले किया है। इस सीरीज में जो केस की बात कर रहे हैं वो दिखने में सिंपल लगता है, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, और ये सीरीज बहुत सारे मैसेज देने की ट्राई करती है। ऐसे कई सवाल आपकी मन में पूछने पे मजबूर कर देगी। सीरीज में पॉलिटिक्स है, पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन है, मीडिया जो हर न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बना देती है उसके बारे में है। ये सीरीज आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि भाई लॉकडाउन चल रहा है और वैसे भी कई दिनों के बाद कुछ नया देखने को मिलेगा। टोटल 9 एपिसोड की ये स्टोरी है। सारे एपिसोड 40-45 मिनट के आसपास है। Amazon प्राइम पे ये अवेलेबल है और इस सीरीज को मैं 5 out of 4 दूंगा बिकॉज एंडिंग मुझे थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं लगा। बाकी सीरीज वर्थ वॉचिंग है, असुर को ये सीरीज टक्कर दे सकती है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी याद करके ऑन कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू।